नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। इन दिनों पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। हिमाचल की वादियां भी बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई हैं। इस बीच यहां आइस हॉकी ट्रेनिंग कैंप लगाया गया है। कड़कड़ाती ठंड में महिलाएं हॉकी स्किल्स सीख रही हैं। वीडियो देखकर ही किसी की भी कपकपी छूट जाए। लाहौल स्पीति के काजा में इस समय टेम्परेचर -10 से 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जा रहा है और इतनी भीषण ठंड में कुछ खिलाड़ियों को आइस हॉकी का प्रशिक्षण लेते देखा जा सकता है। इन महिलाओं के हौसले बुलंद हैं और लक्ष्य भविष्य में भारतीय टीम में जगह बनाना है। काजा में समुद्र तल से 3,720 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया आइस हॉकी स्केटिंग रिंक सैलानियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस कैंप में 80 के करीब महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। इसी के साथ काजा में ही 16 जनवरी से 20 जनवरी 2022 तक राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी नेशनल चैंपियनशिप भी आयोजित होने जा रही है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के साथ साथ हैदराबाद, लेह, चंडीगढ़, दिल्ली और मुंबई की टीमें हिस्सा लेंगी। इससे ठीक पहले चैंपियनशिप में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाती है। बर्फ पर हॉकी खेलना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, इसके लिए कड़ी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। गौरतलब है कि खिलाड़ियों को 3 ग्रुप में बांटा गया है। खिलाड़ियों को स्किल के हिसाब से ग्रुप में रखा गया है, जिससे खिलाड़ियों को बेस्ट बनाया जा सके। इस कैंप में नूरजहां, जो कि गोली की कोचिंग दे रही है, इसके साथ ही भारतीय महिला आइस हॉकी टीम की कैप्टन छुचकित और पूर्व कैप्टन रिंगचिन शामिल हैं। कुल मिलाकर कोशिश ये है कि आइस हॉकी के गुर सीखकर राज्य से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ये महिलाएं अपना परचम लहरा सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।